नमस्कार, मैं विश्वानी बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है 27 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इस दिन सरकारी विद्यालयों में मनाया जाएगा रिजल्ट डे। आज मनाई जा रही है भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा। इस जिले में लगेगा इथेनॉल प्लांट, यहाँ लगेगी खाद्य प्रसंस्करण की यूनिटें। छठ घाट के निरीक्षण के दौरान घायल हुए थे नीतीश कुमार, खुद दिखाई चोट। सुपर 12 में हुआ बड़ा उलटफेर, भारतीय टीम आज खेलेगी अपना दूसरा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनएफसी ने 345 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद ने विभिन्न ट्रेडों में ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 345 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 10th पास होने के साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.nfc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस दिन सरकारी विद्यालयों में मनाया जाएगा रिजल्ट डे। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब से रिजल्ट डे मनाया जाएगा। यह शुरुआत शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है। यह दिवस आगामी 7 नवंबर को मनाया जाएगा। दरअसल इस दिन से PTM यानी पेरेंट टीचर मीटिंग की शुरुआत होगी। जैसे प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसी प्रकार से अब बिहार के सरकारी स्कूलों में क्लास 3rd से लेकर 8th तक के पढ़ने वाले बच्चे अपने अभिभावकों के साथ स्कूल पहुंचेंगे। इसके अलावा इसको लेकर निदेशक असंगबा चुबा आयो ने सभी अभिभावकों और शिक्षकों को 7 नवंबर को अपने बच्चों की प्रगति को लेकर चर्चा का भी निर्देश दिया है। इससे पहले 20 अक्टूबर को राज्य के 40,000 प्राथमिक स्कूलों में क्लास 1 के बच्चों के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया था। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे भागवत झा आजाद की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। भागवत झा आजाद वर्ष 1957 से 1989 के बीच लगातार 6 बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी से भागलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। वह केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री थे। वह इंदिरा गांधी के राजनीतिक सचिव भी रहे। जब इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर थी, भागवत झा आजाद ने बिहार के तत्कालीन सहकारिता माफिया के खिलाफ चलाए गए उनके अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज मनाई जा रही है भाई दूज व चित्रगुप्त पूजा। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने की वजह से त्योहारों की तिथियों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक और जहां दिवाली के कल होकर गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, तो वहीं ग्रहण की वजह से एक दिन बाद यानी 26 अक्टूबर को मनाया गया। वहीं भाई दूज आज मनाया जा रहा है। बता दें कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया में गुरुवार को शुभ योग के महासंयोग में चित्रगुप्त पूजा और स्नेह सौहार्द और प्रीति का प्रतीक यम द्वितीया यानी भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। विशाखा नक्षत्र के साथ आयुष्मान योग, कौकिल करण तथा अति पुण्य कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। बहने व्रत पूजा कथा आदि के बाद भाई की लंबी आयु की कामना करते हुए उनके माथे पर तिलक लगाएंगी। सोमेश्वरनाथ धाम इस वजह से है बेहद खास। सोमेश्वरनाथ धाम मंदिर नेपाल की सीमा से लगे पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से 30 किलोमीटर दूर है। शिव पुराण के अनुसार राजा सोम ने लगभग 2000 साल पहले इस 55 फीट ऊंचे मंदिर का निर्माण किया था। यह भी माना जाता है कि महादेव का यह पंचमुखी लिंग स्वयंभू है। प्रसिद्ध सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर सदियों पुराना है और श्रावणी मेला यानी जुलाई से अगस्त के दौरान के अवसर पर अन्य जिलों के साथ साथ नेपाल के लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां पूजा दर्शन के लिए पर्यटकों का तांता लगा रहता है। खरना के दिन दिल्ली से पटना आने वाली सभी फ्लाइट फुल। दुर्गा पूजा खत्म हुआ, दिवाली भी खत्म हुई और अब शेष रह गया है तो बस लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। यह ना बल्कि एक पूजा है, यह एक भावना है जो हर एक बिहारी के साथ जुड़ा है। दो साल कोरोना में प्रतिबंध की वजह से प्रवासी अपने घर नहीं आ सके, लेकिन इस साल कोरोना गाइडलाइन की कोई बंदिश नहीं है। ऐसे में लोगों की एक भारी संख्या दूसरे राज्यों से बिहार की ओर रुख कर रही है। ऐसे में पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भी ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। वहीं प्लेनों की टिकट 4 से 5 गुनी महंगी हो गई है। अगर हम आगामी 29 अक्टूबर के फ्लाइट की टिकट की बात करें तो दिल्ली से पटना आने वाली सभी फ्लाइट 29 अक्टूबर यानी खरना के दिन फुल है। वहीं इस दिन के फ्लाइट का किराया 16,430 रुपये तक का है। वहीं 29 अक्टूबर को मुंबई से पटना का किराया करीब 14,000 रुपये है।
आवास मिलने से विधायक हुए गदगद। बिहार सरकार के विधायकों को नया आवास मिल गया है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 विधायकों को नए आवास की एक समारोह में चाबी दी। इस दौरान माल्य विधायक रामबलि सिंह का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद आवास मिला है और आवास अच्छा है। 2 मंजिले नए आवास में भूतल ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम सहित आधुनिक सुख सुविधा दी गई है। ये चाबी मिलने के बाद विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। माल्य विधायक ने यह भी कहा कि एनडीए की सरकार में आवास नहीं मिलने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बिहार में शिक्षा विभाग देगा 2 लाख लोगों को रोजगार। महागठबंधन सरकार बिहार में जितने भी रोजगार देगी उसमें 25% नौकरियां अकेले शिक्षा विभाग देगा। ऐसा कहना है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग में कुछ कमियां हैं, उन्हें सुधारा जा रहा है। अगले 5 से 6 माह में प्रदेश में एक नई शिक्षा व्यवस्था प्रभावी की जाएगी। महागठबंधन सरकार इस दिशा में कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में पहले भी सकारात्मक बदलाव किए हैं जिसे पूरे देश में सराहा जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर ही हुई पॉलिटेक्निक प्रश्न पत्रों की छपाई। आए दिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले सामने आते रहते हैं। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और एक ठोस कदम उठाया है। इसके तहत अब परीक्षा केंद्र पर ही प्रश्न पत्र प्रिंट किए जाएंगे। ये प्रश्न परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षित सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाएगा, जहाँ किसी खास कंप्यूटर पर ही एक यह खुलेगा और आधा घंटा पहले प्रश्न पत्र प्रिंट हो सकेगा। इसके बाद विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र वितरित किया जाएगा। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पहली बार इस प्रकार का सफल परीक्षण हुआ है, जब परीक्षा केंद्रों पर ही प्रश्न पत्र प्रिंट किए गए हैं। बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए हुई परीक्षा में यह प्रयोग किया गया था। 4 नवंबर से पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दूसरे और चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा इसी पद्धति से होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस जिले में लगेगा इथेनॉल प्लांट, यहाँ लगेगी खाद्य प्रसंस्करण की यूनिटें। रोहतास में इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जानी है। हाल ही में हुई 42वीं निवेश प्रोत्साहन पार्षद की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 411.41 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें कुल 51 निवेश प्रस्तावों को कुल 499 करोड़ की राशि के फर्स्ट क्लियरेंस दिया गया है। रोहतास जिले में इथेनॉल प्लांट 300 KLPD है। वहीं इसके अलावा मैदा, सूजी, फिश फीड, शुगर कन्फेक्शनरी, वेयर हाउस, शीत गृह, कुकीज एंड ब्रेड में भी निवेश किया जाना है। प्रसंस्करण की यूनिटें पटना, भागलपुर, रोहतास, अररिया व सीतामढ़ी केंद्रित है। इसके अलावा इनमें 33.41 करोड़ के प्रस्ताव राइस मिल के हैं। राइस मिल गया, नालंदा, मुंगेर और पश्चिम चंपारण प्रस्तावित हैं। वहीं फ्लाई एश की 2 यूनिट भी प्रस्तावित है। रतन राजपूत ने बताया उन्होंने क्यों बनाई टीवी की दुनिया से दूरी। जी टीवी के चर्चित सीरियल अगले जन्म मोहे बिटिया है की, जो कि लीड एक्ट्रेस रही रतन राजपूत, जिन्हें इस किरदार में लोगों से खूब प्यार मिला, लगभग 4 साल से छोटे पर्दे से गायब हैं। उन्हें आखिरी बार एंड टीवी के शो संतोषी माँ में देखा गया था। साल 2018 में पिता को खोने के बाद रतन डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। डिप्रेशन को लेकर रतन राजपूत ने बताया कि मेरे पिता के निधन के बाद मैंने सब कुछ खो दिया था। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। डिप्रेशन केवल मूड स्विंग्स या फिर रोना नहीं है, डिप्रेशन में इंसान को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रतन राजपूत ने बताया कि वह डिप्रेशन के लिए दवाई नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने गाँव जाकर रहना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि गांव में मैंने खेती भी शुरू की, वहां मैंने देखा कि सभी लोग बिल्कुल खुली और खुशहाल जिंदगी जीते हैं, इससे मुझे काफी फायदा मिला है। इस साल छठ पर्व के दौरान ये 16 घाट हैं खतरनाक। छठ पर्व को लेकर छठ घाटों पर तैयारियां चल रही हैं। खासकर पटना के छठ घाटों का निरीक्षण खुद सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। इस दौरान पटना के करीब 16 छठ घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है। हर साल प्रशासन द्वारा डेंजर घाटों की सूची जारी की जाती है, जहां अर्घ देने से मना किया जाता है। इस साल ऐसे 16 घाट हैं जिसे डेंजर घोषित किया गया है। इनमें नारियल घाट, जेपी सेतु, पूर्वी घाट, बांस घाट, कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट, टीएन बनर्जी घाट, अंटा घाट, अदालत घाट, मिस्त्री घाट, टेढ़ी घाट, गडेरिया घाट, नूरुद्दीनगंज घाट, भरहरवा घाट, महाराज घाट, कंटाही घाट और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज घाट शामिल है।
गंडक नदी में नाव पलटने से पुलिस कर्मी की गई जान, सीएम ने जताया शोक। गोपालगंज में एक बड़ा हादसा हो गया जब पुलिस टीम की नाव गंडक नदी में पलट गई। इस हादसे में एक सिपाही की जान चली गई जिसकी पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह दुर्घटना काफी दुखद है। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मिली जानकारी के अनुसार नाव से शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस की टीम नाव गंडक नदी में पलट गई। हिंदी सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल हुआ जारी। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने हिंदी विषय के सहायक प्राध्यापकों के लिए साक्षात्कार का शेड्यूल जारी कर दिया है। छठ पर्व खत्म होने के बाद आगामी 3 नवंबर से 8 नवंबर के बीच इस पद के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए औपबंधिक रूप में कुल 777 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जिसमें कुल सहायक प्राध्यापकों के 292 पदों को भरा जाएगा। आपको बताते चले कि बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अकादमिक भवन और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कार्यालय भवन में लिया जाएगा। पीएमसीएच में एक बार में कुल 6000 मरीजों की हो पाएगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। पीएमसीएच में भर्ती मरीजों को अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी, अब उन्हें मिनट में 3750 लीटर ऑक्सीजन मिल सकेगा। पीएमसीएच अब ऑक्सीजन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। यहां स्थापित प्लांट से एक मिनट में 3750 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन हो सकेगा। इसके लिए अस्पताल परिसर में लगा दूसरा प्लांट शुरू कर दिया गया है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर IES ठाकुर की देखरेख में इसकी शुरुआत की गई है। इसके साथ ही अस्पताल में अब 2 बड़े प्लांट एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब यहां एक बार में 6000 मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया किया जा सकेगा। इसके अलावा एक छोटा प्लांट पिछले साल ही शुरू कर दिया गया है। मौसम में आ रहा तेजी से बदलाव, सेहत का रखें खास ख्याल। बिहार में लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। अब लोगों की नज़र छठ से पहले मौसम के बदलते मिजाज पर है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 5 दिनों तक बिहार का मौसम साफ रहने की उम्मीद है। धूप खिली रहेगी और वातावरण पूरी तरह से शुष्क रहेगा। लोगों को रात में ठंड का एहसास होगा। चक्रवाती तूफान का असर राज्य के अलावा देश के अन्य हिस्सों में अब नहीं है। राज्य में आगामी 5 दिनों तक तापमान में और गिरावट होगी। पछुआ हवा का प्रवाह ठंड बढ़ाएगी। छठ के दौरान तापमान में और गिरावट होगा। सुबह के वक्त हल्का कोहरा और धुंध बना रहेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिन में धूप और रात में ठंड का एहसास बरकरार रहेगा। बदलते मौसम को देखते हुए आप भी अपने सेहत का खास ख्याल रखें। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान। छठ को लेकर रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। भारी भीड़ को देखते हुए इसके प्रबंधन को लेकर विशेष तैयारी चल रही है। RPF की ओर से सभी प्रमुख स्टेशनों पर विशेष गश्ती कराई जा रही है। दानापुर रेल मंडल के सभी प्रमुख स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चल रहा है। पटना जंक्शन के RPF प्रभारी ने बताया कि भीड़ का प्रबंधन कराया जा रहा है। ट्रेनों में यात्रियों को चढ़ाने के लिए कतार लगवाई जा रही है। ट्रेन के आने के आधा घंटे पहले प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के आने की अपील की जा रही है। जंक्शन के सभी फुट ओवर ब्रिज पर RPF जवानों की गश्ती कराई जा रही है। छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान घायल हुए थे नीतीश कुमार, खुद दिखाई चोट। छठ पर्व का दिवस नजदीक आ रहा है। इस बीच बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण करने घाट पर पहुंचे। मालूम हो कि इससे पहले भी सीएम ने स्टीमर से दानापुर के नासरीगंज से पटना सिटी के गाय घाट तक का जायजा लिया। उस दिन खबर आई थी कि नीतीश कुमार का स्टीमर अनबैलेंस हो गया था और JP सेतु के एक पिलर से टकरा गया था। अब नीतीश कुमार ने चोट दिखाई है। उस दिन का चोट सीएम ने बीते दिन मीडिया कर्मियों को कैमरा के सामने दिखाई। उन्होंने बताया कि उनके पेट और पैर में चोट लगी थी। उनके पेट में अभी भी पट्टी बंधी हुई है। इस दौरान मीडिया के कैमरे के सामने ही उन्होंने अपना कुर्ता हटाकर जख्म को दिखाया। बताया कि इसलिए वो गाड़ी में आगे की सीट पर नहीं बैठ रहे हैं कि सीट बेल्ट लगाना होगा। कहा कि डॉक्टर ने जख्म वाली जगह को ठीक से रखने के लिए कहा है। हालांकि इससे पहले अधिकारियों ने उनकी चोट वाली खबर को लेकर इनकार किया था। बाहुबली अनंत सिंह के गढ़ में ललन सिंह ने BJP को ललकारा। कभी अनंत सिंह को ललन सिंह और ललन सिंह को अनंत सिंह फूटी कौड़ी नहीं सुहाते थे। आज ललन सिंह अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए मुकामा विधानसभा उपचुनाव में BJP के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने बुधवार को नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने BJP पर जमकर हमला बोला। ललन सिंह बुधवार को यानी बीते दिन मुकामा पहुंचे। उन्होंने वहां महागठबंधन की उम्मीदवार नीलम देवी की जीत को पक्की बताया। कहा कि इस बार हर बार रिकॉर्ड टूटेगा, BJP यहां टक्कर में ही नहीं है।
प्रशांत किशोर का राज्य सरकार पर जुबानी हमला। जनसुराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर जुबानी हमला बोला है। जनसुराज पद यात्रा के दौरान सामने आई समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब पद यात्रा गाँव से गुजर रही है तो उन्हें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग ही गाँव में मिलते हैं। यह साफ दिखता है कि पलायन ने विकराल रूप ले लिया है। गाँव के 70% युवा रोजी रोटी के लिए बाहर जा चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। स्कूल की बिल्डिंग, शिक्षक और छात्र तीनों का समायोजन कहीं देखने को नहीं मिलता है। जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक और छात्र नहीं, और जहां छात्र हैं वहां शिक्षक और बिल्डिंग नहीं। सुपर 12 में हुआ बड़ा उलटफेर, भारतीय टीम आज खेलेगी अपना दूसरा मुकाबला। सुपर 12 मुकाबले के साथ ही T20 वर्ल्ड कप रोमांच के अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। बीते दिन खेले गए इंग्लैंड बनाम आयरलैंड सुपर 12 मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब आयरलैंड ने इंग्लैंड जैसी दमदार टीम को 5 रनों से हरा दिया। यह इंग्लैंड के खिलाफ आयरलैंड की T20 में पहली जीत है, और इस जीत के मायने और बढ़ जाते हैं जब यह वर्ल्ड कप जैसे भव्य टूर्नामेंट में आई हो। वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 का यह पहला उलटफेर है। वहीं आज भारतीय टीम सुपर 12 का दूसरा मुकाबला नीदरलैंड के साथ खेलेगी। इन दोनों टीम के पिछले मुकाबले की बात करें तो भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त दी थी। वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड को अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार मिली है। मैच आज दोपहर 12:30 बजे से शुरू है। इससे पहले साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की भिड़ंत सुबह 8:30 बजे से होगी। इसके बाद आज सुपर 12 का आखिरी मुकाबला पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 5:30। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ दास उर्फ जतिन दास का कोलकाता में जन्म 1904 में हुआ। भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन का जन्म 1920 में हुआ। फिल्म जगत के साथ साथ भजनों से खास पहचान बनाने वाली अनुराधा पौडवाल का जन्म 1952 में हुआ। भारत के शतरंज खिलाड़ी दूसरे ग्रैंड मास्टर दिबेंदु बरुआ का जन्म 1966 में हुआ। मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर का फतेहपुर सिकड़ी में 1605 को निधन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्म बांधव उपाध्याय का निधन 1907 में हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने वाले प्रमुख भारतीयों में से एक TSS राजन का निधन 1953 में हुआ। गांधी जी के निजी सचिव प्यारे लाल का निधन 1982 में हुआ। मशहूर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विजय मर्चेंट का निधन 1987 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉक्टर नगेंद्र का निधन 1999 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप कुमार का निधन 2001 में हुआ। वायरल खबर में आज बात होगी डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क में होने वाले कीड़े के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे डिस्पोजेबल मास्क में रहने वाले कीड़े के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक वीडियो में फर्जी दावा किया जा रहा है कि डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क में कीड़े होते हैं। PIB ने इस संबंध में आगे लिखा है कि वैज्ञानिक मानकों के अनुसार तैयार किए गए किसी भी मास्क में कीटाणु नहीं होते हैं। कोरोना से बचाव के लिए नाक और मुंह को सही से ढकने वाले किसी भी मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। गूगल ने चैट और जीमेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कस्टम इमोजी किया रिलीज। सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आसान हो गया है जब से सोशल मीडिया ऐप इमोजी का विकल्प लेकर आई है। अब तो बिना इमोजी आप अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया है। इस बीच गूगल चैट इमोजी में खुद को अभिव्यक्त करने का एक बेहतरीन तरीका है। इस बीच गूगल ने चैट और जीमेल को यूजर के लिए और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कस्टम इमोजी रिलीज किया है। इस NH के 4 लेन बन जाने से इन क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन होगा सुगम। अब बेतिया से उत्तर प्रदेश जाना आसान हो जाएगा जब 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर NH 4 लेन बनेगा। जी हां, पश्चिम चंपारण जिले में पटजिरवा पखनाहा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 727 पर बेतिया से पिपरा घाट और उत्तर प्रदेश में NH 730 के साथ सिवराही को जोड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ 727 AA का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 727 AA के विस्तृत परियोजना परामर्श के अनुशंसित मार्गरेखन पर लोक सहमति प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में हुई बैठक में इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है, जिस पर इस NH को 4 लेन बनाने की सहमति प्रदान की गई है। इस दौरान TM ने कहा कि उक्त सड़क का निर्माण हो जाने से पटजिरवा पखनाहा आदि क्षेत्रों के लोगों के लिए आवागमन काफी सुगम हो जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, अंजुना मिश्रा, KK कांति, अनवर करीम खान, योगेंद्र यादव, दिवाकर सिंह, रविन्द्र पासवान, कुलदीप कुमार भारत, बाबूलाल मरांजी, राजीव कुमार और मोहम्मद नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके यहाँ छठ पूजा को लेकर घाटों की तैयारी कैसी चल रही है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।